विदर्भ राज्य समर्थक एक कार्यकर्ता एवं पत्रकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को यहां महाराष्ट्र विधानसभा की प्रेस दीर्घा में किसानों की समस्याओं को लेकर नारे लगाए। कार्यकर्ता प्रकाश पोहरे ने कहा कि वह किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधानसभा की प्रेस दीर्घा में पहुंचे थे, जिसका नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा था। पोहरे एक मराठी दैनिक के संपादक भी है। वह एक वीडियो में नारे लगाते हुए प्रेस दीर्घा से पुलिस के साथ बाहर निकलते दिखे। विधान भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पोहरे ने अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और कहा कि कोई भी विदर्भ के किसानों और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे नहीं उठा रहा है। विदर्भ राज्य समर्थक एक कार्यकर्ता एवं पत्रकार ने सदन की कार्यवाही के दौरान गुरुवार को यहां महाराष्ट्र विधानसभा की प्रेस दीर्घा में किसानों की समस्याओं को लेकर नारे लगाए। कार्यकर्ता प्रकाश पोहरे ने कहा कि वह किसानों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए विधानसभा की प्रेस दीर्घा में पहुंचे थे, जिसका नागपुर में शीतकालीन सत्र चल रहा था। पोहरे एक मराठी दैनिक के संपादक भी है। वह एक वीडियो में नारे लगाते हुए प्रेस दीर्घा से पुलिस के साथ बाहर निकलते दिखे। विधान भवन परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में पोहरे ने अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया और कहा कि कोई भी विदर्भ के किसानों और पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र में किसानों की आत्महत्या के मुद्दे नहीं उठा रहा है।